सफलता बहुत महत्वपूर्ण और प्यारा शब्द है दोस्तों। दुनिया में हर कोई इसे प्राप्त करना चाहता है, लेकिन दोस्तों मेरा एक सवाल है आपसे कि सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है कि सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि आप आत्मविश्वासी हैं तो आप दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वासी उसे कहते हैं जो स्वयं पर विश्वास करता है या जो 100 बार हार कर भी जीतना चाहता है। अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है तो आप कोशिश करने से पहले ही हार मानने लग जाओगे। इतना ही नहीं, आप अनुशासन और आत्मविश्वास के बिना किसी भी काम में कभी सफल नहीं हो पाओगे। अनुशासन और आत्मविश्वास सफलता प्राप्त करने के 2 महत्वपूर्ण पायदान हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आत्मविश्वास बढ़ाने के 10 तरीके, जिनको अगर आपने फॉलो किया तो ज़िंदगी में कभी आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों एक कहावत है, महान लोगों में इच्छा शक्ति होती है। शब्दों पर ध्यान देना, महान लोगों में इच्छा शक्ति होती है और कमजोर लोग केवल इच्छाएं करते हैं। दोस्तों इच्छा शक्ति का मतलब आत्मविश्वास, यानी हमें आगे बढ़ने के लिए स्टेप उठाना पड़ेगा और स्टेप उठाने के लिए हमें इच्छा शक्ति यानी आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी। कहा जाए आत्मविश्वास मानवता के लिए एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। आत्मविश्वासी लोग खुद को पसंद करते हैं और अपनी मंजिल पाने के लिए प्रेरित रहते हैं और भविष्य के बारे में सकारात्मक सोचते हैं, जबकि कम आत्मविश्वास वाला व्यक्ति कभी सकारात्मक सोच ही नहीं सकता। अक्सर कम आत्मविश्वास वाले लोग दूसरों को खुद से तुलना में बेहतर मानते हैं, लेकिन आपको इससे दूर रहना है। आप कभी भी किसी से स्वयं को कमजोर मत समझ। आपको आत्मविश्वास बढ़ाना है तो मैं आपको एक कुछ तरीके बता रहा हूँ, अगर आपने इनको फॉलो किया तो आप आत्मविश्वासी बन सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हर उस काम को मुमकिन बना सकते हैं जो दुनिया के लिए नामुमकिन है। तो दोस्तों होके मायूस न शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहे। दोस्तों आत्मविश्वासी जो व्यक्ति होता है वो कभी भी ठहरता नहीं, चींटी की तरह ही सही मगर बढ़ता रहे। तो दोस्तों आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 10 स्टेप आप फॉलो करेंगे तो स्टेप नंबर 1, अपने आप को स्वीकार करें। आप इस दुनिया में यूनिक हैं। जरूरी यह है कि आप उन चीज़ों से परेशान ना हो जिन्हें आप कर नहीं सकते या जो चीज़ें आपको परेशान करती। अपनी कमजोरी और गलतियों के बारे में सोचने और शिकायत करने की बजाय अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश करें। नया सीखने के लिए नए लोगों से जुड़ें और खुद को पहचानें और स्वीकार करें कि आप कौन हैं। स्वयं के बारे में कभी भी नेगेटिव ना सोचें। स्वयं को समझने की आवश्यकता है, स्वयं को समझें। स्टेप नंबर 2, दूसरों से बातचीत करें। यह बहुत सहायक और ज़रूरी है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने और सक्सेस प्राप्त करने के लिए अन्य सफल लोगों से बात करें, क्योंकि लोगों की चुनौतियों और सफलताओं के बारे में जानना और सुनना आपके लिए बेहतर महसूस करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके अलावा उन तरीकों के बारे में भी जानने की कोशिश करें जिनसे आप अपने जीवन में अपनी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, एक लक्ष्य बनाएं। एकाग्रता से उसे पाने के लिए डट जाएं। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो आपके लिए ज़्यादा आसान या कठिन ना हो। एक लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करने के लिए पूरे जी जान से जुट जाएं। यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान ना हो। आपने अपनी कोशिश पूरी की, फिर भी अगर आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने लक्ष्य को बदल सकते हैं और एक और लक्ष्य सेट करें और फिर उसके लिए जी जान से जुट जाएं। कि कभी नकारात्मक नहीं होना है। नेपोलियन बोनापार्ट में अदम्य साहस और वीरता के अलावा ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उससे अद्वितीय और अत्यंत विस्तृत विजय प्राप्त होती थी। उसके जीवन चरित्र का अवलोकन करने पर पता चला कि एकाग्रता और लक्ष्य बुद्धि ही विजय का रहस्य होती है। एक लक्ष्य को पकड़कर उसकी पूर्ति के लिए एकाग्रचित होना और दुनिया के सारे प्रलोभनों पर कभी ध्यान न देना। जो व्यक्ति एक ही काम को अपना जीवन संकल्प बना लेता है उसे संपूर्ण विजय प्राप्त होती है। स्टेप नंबर 4, निरंतर रहें, धैर्य बनाकर रखें और जीत आपकी ही होगी। अपने जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहें, हार न मानें। अगर आप कोई गलती करते हैं तो उन गलतियों से सीखें। अपने हालातों में सुधार करने की कोशिश करें। इस बात पर बहस और चिंता न करें कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि ध्यान रखें कि सफलता प्राप्त करने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए तब तक लगातार कोशिश करते रहें और निरंतर रहें जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। सबसे बड़ा एग्जाम्पल एडिशन का होता है कि उसने 1000 बार फेल होने के बाद में बल्ब का आविष्कार किया। तो उम्मीद का दामन हमेशा थाम के रखिए। जो लोग खदानों में काम करते हैं उनको इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि कभी भी वे खान में अगर दुर्घटना में फंस जाएं तो अपनी शक्ति को बचाकर रखें। जो लोग उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते उनकी रक्षा हो जाती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिंदा रहने की उम्मीदें अधिक रहती है। उस वक्त उसे आशा के अलावा कोई विकल्प होता ही नहीं है।
स्थितियां कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो, हमें उनके उज्ज्वल पक्ष को ही खोजना चाहिए, पॉजिटिवनेस को ही देखना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दोस्तों कहते हैं रख हौसला, वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हिम्मत ना हार ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने में मजा भी आएगा। पॉजिटिवनेस अपने अंदर रखिएगा, अगर आप परेशान होते रहेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लाचारी और बेवसी की अवस्था में उम्मीद पर इमारत खड़ी करना बेहद जरूरी है। जो लोग आस्थावान होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो धार्मिक विश्वासों के कारण हो, चाहे उन्हें आस्था का अच्छा अनुभव हो, वे बुरी से बुरी परिस्थिति भी झेल सकते हैं। उनका रवैया कुछ इस तरह का होता है, मुझे पता है कि मैं मुसीबत से कैसे निकलूंगा, इसलिए पहले भी मुसीबत आई थी और चली गई, अतः इस बार भी किसी न किसी तरह इसमें से मैं उबर जाऊंगा। स्टेप नंबर 5, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं। यह पता लगाना और अच्छा है कि आप में क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए अपनी कमजोरियों और शक्तियों को जानना जरूरी है, क्योंकि आप तभी वह काम कर सकते हैं, किसी भी काम को करने का फैसला ले सकते हैं जो उसे पूरा कर सकते हैं। स्टेप नंबर 6, असफलता को स्वीकार करें। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों कोशिश करना आपके हाथ में है, सफलता और असफलता समय के हाथ में है। आप सिर्फ अपने तरफ से प्रयत्न करते रहिए, अगर सफलता आपको नहीं मिली तो परेशान मत होइए, दूसरे लक्ष्य के लिए फिर नए से ट्राई अगेन करते रहिए, क्योंकि जिंदगी में कभी भी आप थककर बैठ नहीं सकते, अगर थककर बैठ गए तो आप हार मानने वाले माने जाएंगे, सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। स्टेप नंबर 7, अपनी सफलता याद रखें। अधिकतर लोग अपनी सफलता को भूल जाते हैं या याद कम रखते हैं और सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिन्हें करने के लिए वे संघर्ष करते हैं। दोस्तों जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जब आप किसी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस बना के रखिए कि आने वाले समय के लिए और बड़ी से बड़ी सफलता को आप यूं ही चुटकियों में प्राप्त करते जाएंगे। अगर आप सिर्फ अपने संघर्ष को याद कर रहे हैं और अपनी सफलता को भूल रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमेशा अपने अतीत की उपलब्धियों को याद रखें, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो, ये उपलब्धियाँ ही आपको आगे ले जाने के लिए प्रेरित करेंगी। हम अधिकतर अपनी नकारात्मकता को, अपनी असफलताओं को याद करते हैं, अपनी सफलताओं को याद करना बहुत आवश्यक है, ये आपके जीवन में सकारात्मक भर सकती हैं, इसलिए नकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान न दें, अपनी पिछली सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें। स्टेप नंबर 7, अपने भविष्य के बारे में सोचें। इसके बारे में सोचने के लिए समय निकालें कि क्या जीवन में करना है या पाना चाहते हैं। एक बार जब आप यह पता लगा लेते हैं कि आपको जीवन में क्या करना चाहते हैं तो आप वो जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं हिट द टारगेट। स्टेप नंबर 9, सकारात्मक पुस्तकें पढ़ें, बहुत जरूरी है दोस्तों। आत्मविश्वास महसूस करने के लिए आपके लिए सेल्फ हेल्प बुक और मोटिवेशनल चीज़ें पढ़नी चाहिए। उन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना या पढ़ना चाहिए और उनको अपनी डायरी में लिख लें जो आपको प्रेरित करती। हर रोज को सकारात्मक पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर विचार करें, उन चीज़ों पर गौर न करें जो आपको डराती हैं, चिंतित करती। स्टेप नंबर 10, सकारात्मक सोचें। किसी भी तरह अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें, अपना हर काम सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें। किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी ना होने, हमेशा सकारात्मक सोचें। आत्मविश्वास के साथ शुरू किया गया काम कभी अधूरा नहीं रहता। अगर यह आप में यह सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप किसी भी काम को शुरू ही नहीं कर पाएंगे और कॉन्फिडेंट बनकर आप हर काम में सफल हो सकते हैं। सारी बातों का निष्कर्ष क्या है दोस्तों, अगर आप इन तरीकों को अपना लेते हैं तो आप हर काम को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आप सारी बताई गई बातों पर विश्वास करेंगे और आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएंगी, ख्वाबों के पद निगाहों से हटाएंगे, गिरकर तुझे ही संभलना है दोस्तों, या ठोकर ही तुझे चलना सिखाएंगे। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय दोस्तों।